हेलो फ्रेंड, हम लोग नीट एम्स जिमर कम्बाइंड एग्जाम 2020 के लिए बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज फोर्थ वीडियो नंबर 5 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका, क्वेश्चन पूरा रीड करो एंड ऑप्शन चारों को देखा करो। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट करेक्ट जहां दिया है वहां पे गोला मार दो। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। विडाल टेस्ट इज परफॉर्म इन केस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड केस में विडाल टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट में ये ऑप्शन सही है। विडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए। बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड CMI। CMI जो है ये टी लिम्फोसाइड होती है। CMI क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड होती है। और बी लिम्फोसाइड क्या होती है? बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी वाली होती है जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस के लिए होती है। थर्ड ऑप्शन, दी यूज ऑफ ड्रग लाइक एड्रेनालिन क्विकली रिड्यूज एलर्जी। एड्रेनालिन ड्रग जो है, ड्रग कौन कौन सी होती है? ड्रग इसमें होती है जैसे ये होती है एंटी हिस्टामाइन होती है, एड्रेनालिन होती है, स्टीरॉयड होती है जो क्विकली रिड्यूस करती है सिम्टम ऑफ एलर्जी को। चौथा ऑप्शन, HIV कंटेंस RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। HIV में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें कैसे होता है? इसमें इसलिए होता है, HIV वायरस में रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस जिसमें RNA जीनोम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, दी एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियस प्रॉब्लम इन निमोनिया इन्फेक्शन इन कोलाइटिस एंजाइना इन डर्मेटाइटिस। तो इसमें हम लोग ऑप्शन चारों देख लेते हैं। अगर लंग्स की, लंग्स में एल्वियोलाई होती है जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे एल्वियोलाई होती है, अगर उसमें फिल्ड हो जाती है, क्या फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, तो क्या कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है? सीवियस प्रॉब्लम किस में होता है? रेस्पायरेशन करने में सीवियस प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये किसका लक्षण है? निमोनिया इन्फेक्शन का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलाइटिस क्या है? कोलाइटिस को एक्यूट इन्फेक्शन इन कॉलन COLON रेक्टम कॉलम, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। रेक्टम कॉलम, इलियम रेक्टम कॉलम, कॉलम रेक्टम और कौन सा होता है एक पार्ट? लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, रेक्टम होता है, कॉलन होता है और सीकम होता है। तो ये कॉलन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कोलाइटिस कहते हैं। एंजाइना में क्या होता है? एंजाइना में ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाते हैं। और डर्मेटाइटिस क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन इन स्किन, डर्मिस कहीं भी लग जाए तो स्किन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हुज पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड इन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग इन्फेक्शन होता है? तो कॉमन कोल्ड में नोज फायरिंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होता है। किसमें? कॉमन कोल्ड में। ग्रुप ऑफ वायरस को राइनो वायरस कहते हैं। ये कॉमन कोल्ड काज करता है और ये क्या इन्फेक्ट करता है? नोज इन्फेक्ट करेगा, नोज एंड क्या? नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, RESPIRATORY रिस्पायरेटरी PASSAGE पैसेज को। बट किसको नहीं करता इफेक्ट? लंग्स को नहीं करता, LUNGS लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता कॉमन कोल्ड में। तो नोज को इफेक्ट करेगा, फायरिंग्स को इफेक्ट करेगा। राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, 1 एंड 2, लंग्स को नहीं इफेक्ट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
1983 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें कह रहा है करेक्ट मैच की बात कर रहा, तो करेक्ट को पहले गोला बना लो। मलेरिया, मलेरिया क्या, मलेरिया के आगे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स बाइट फॉर मेल एनाफिलीज, मेल नहीं फीमेल होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और करेक्ट पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर से नहीं होता है, इंस्पायर्ड एयर से थोड़ी होता है टाइफाइड, ये तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन लिम्फाइटाइटिस जो है बाउचेरिया ब्रेंकियोफिटी विथ इन्फेक्टेड वाटर, लिम्फाइटाइटिस जो है ये बाउचेरिया ब्रेंकियोफिटाइस बाइट विथ फीमेल क्यूलिक्स, अगर बाइट कर देता है काट लेता है कौन, फीमेल क्यूलिक्स एफ ई एम ए एल ई फीमेल सी यू एल ई एक्स, फीमेल क्यूलिक्स एक मच्छर है जिसके काटने से लिम्फाइटाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ये पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट नेजल डिस्चार्ज नेजल कंजेशन ही मेनी सफर्स फ्रॉम, एक व्यक्ति बार बार नाक बहना नाक बंद से पीड़ित है, इसे बीमारी है, तो इसको बीमारी है रैनाइटिस है, रैनाइटिस मतलब बहना होता है, बहना नाक बहना, तो इसमें क्या होता है, इसमें नेजल कंजेशन होता है एंड डिस्चार्ज शोर थ्रोट होने लगता है, गले में हॉर्सनेस होने लगती है, कफ आने लगता है, हेडेक होने लगता है, ट्राइडनेस होने लगता है। अस्थमा जो दिया गया, अस्थमा क्या है, अस्थमा ड्यू टू एलर्जेंस से होता है, ए डबल एल ई आर जी ई एन यस एलर्जन से होता है। और इम्फाइसमा क्या होती है, इम्फाइसमा ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, जब हम लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तब होती है। और सारस क्या है, सारस मतलब होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो वायरल डिजीज है, सारस जो इसमें दिया गया है वो क्या है, सारस जो है वो वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होती है, वायरल डिजीज है। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ अमेबिक डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री का कौन सिम्टम नहीं है। 85 अमेबिक डिसेंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगती हैं, ऐठन होने लगती है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट आने लगता है, क्या आने लगता है, स्टूल के साथ क्या आने लगता है, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट आने लगता है, म्यूकस भी स्टूल के साथ क्या, म्यूकस विथ ब्लड क्लॉट बी एल डबल ओ डी ब्लड सी एल ओ टी ब्लड क्लॉट आने लगता है, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप नहीं होता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्युनिकेबल डिजीज, 86 में कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो अमीबियासिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, अमीबियासिस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर होगा जो कि ऑन्कोजीन से होता है, रिकेट्स होता है जो कि ड्यू टू विटामिन डी के, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है, डिफिशियंसी से। और डायबिटीज किससे होता है, डायबिटीज जो है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन INSULINE इंसुलिन हार्मोन HORMONE हार्मोन की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, कौन सी इसमें डिजीज जो कंटामिनेटेड वाटर से नहीं होती है, तो इसमें डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्थीरिया जो है ट्रांसमिटेड होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, जबकि टाइफाइड जो है कॉलरा अमीबियासिस ये ट्रांसमिटेड होती हैं बाई कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ये तीनों जो बीमारी होती हैं कंटामिनेटेड दूषित वाटर एंड फूड से होती हैं, कंटामिनेटेड
MINATED कंटामिनेटेड वाटर, H2O वाटर एंड फूड से होती हैं ये तीनों। डिप्थीरिया किससे होती है? डिप्थीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बट नॉट काज बाय वायरस। कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा फैलती है लेकिन वायरस से नहीं होती है? तो इसमें कौन सा वायरस से नहीं होती है? तो इसमें हम लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें जो फाइलरियासिस है, फाइलरियासिस बोलिए या एलिफेंटियासिस, ये किसके द्वारा काज होती है? ये मॉस्किटो के काटने से होती है। बाइट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के काटने से होती है। और डेंगू, डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है। येलो फीवर वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है। तो थर्ड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इन द इम्यून सिस्टम इंटरफेरॉन आर ए पार्ट ऑफ, कह रहा है सुरक्षा तंत्र में इंटरफेरॉन भाग है। तो इसमें कह रहा है साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो वायरस इन्फेक्टस सेल सिक्रेट करती है प्रोटीन। वायरस जो सेल इन्फेक्ट हो जाती है वायरस से, वो एक प्रोटीन सिक्रेट करती है, उसी को इंटरफेरॉन कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टस सेल। जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई होती है उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो इसमें इम्यून सिस्टम इंटरफेरॉन साइटोकाइन बैरियर है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एंटी हिस्टामाइन ड्रग इज इफेक्टिव इन, इसमें कह रहा है एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग होती है वो किसके लिए इफेक्टिव होती है? तो वो एलर्जी के लिए होती है। अभी हम पहले नेक्स्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे कि एंटी हिस्टामाइन हो गया, एड्रेनालिन हो गया एंड स्टीरॉइड होता है। स्टीरॉइड्स ये क्विकली रिड्यूस करते हैं सिम्टम ऑफ एलर्जी के। और इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसमें क्या यूज़ किया जाता है? एंटीबॉडी यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवा नहीं लेते हैं, एंटीबायोटिक हम लोग दवा से यूज करते हैं। और इसमें एड्स में क्या होता है? एड्स जो है यूज रिट्रोवायरल ड्रग यूज करते हैं, RETRO रिट्रोवायरल वायरल ड्रग यूज करते हैं। और क्या है ब्रेडिकार्डिया? क्या है? लो हार्ट बीट रेट, जब हार्ट रेट लो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ये बैक्टीरिया विथ प्लाज्मिड हैविंग फॉरेन DNA इंसर्टेड एट PBU फर्स्ट, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।